आज मैं आपको कह रहा हूं, ये दो अक्षर का मंत्र इस कागज पर लिख करके 12:22 पर जला देना, फिर उसका आप सीधा रिजल्ट देखना। ये जलाते ही एक तरफ आप जलाओगे, दूसरी तरफ आपकी समस्याएं सुलग रही होंगी, सीधा समाधान की ओर आपको लेकर चलते हैं। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लबदुसालजी में आपके जीवन में प्रेम भरा जाता है, लबदुसालजी में आपके रिश्तों के, आपके संबंधों को ठीक किया जाता है, आपकी मैरिटल लाइफ, आपका शादीशुदा जीवन, आपका वैवाहिक जीवन, आपका पारिवारिक जीवन या किसी भी रिश्तों में कोई समस्या हो उसका सीधा समाधान किया जाता है ज्योतिष और अध्यात्म के बल पर। यहाँ पर अभी 20 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं, लाभ ले चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है और ये सब निरंतर जारी है। क्यों? क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों का रिसर्च किया जाता है और वो रिसर्च आपको सीधा साझा किया जाता है। आज मैं आपको कह रहा हूं, ये दो अक्षर का मंत्र इस कागज पर लिख करके 12:22 पर जला देना, फिर उसका आप सीधा रिजल्ट देखना। ये जलाते ही एक तरफ आप जलाओगे, दूसरी तरफ आपकी समस्याएं सुलग रही है, सीधा समाधान की ओर आपको लेकर चलते हैं। ये है क्या? ग्रहों का अनुसरण करके ग्रह नक्षत्रों का तालमेल बिठाकर उससे निकालकर समाधान रिसर्च के रूप में आपको साझा करते हैं। जीवन में जब अपनों से कष्ट मिले, ये दुनिया का सबसे बड़ा डिप्रेशन है। सप्रेशन से बड़ा डिप्रेशन दुनिया में कोई और है नहीं। रात दिन 24 घंटे एक जैसा हो जाता है, इंसान अपने आप को भूल जाता है, अपने आप को खो बैठता है और सर्वस्व बेकार लगने लगता है। इससे बचने के लिए आपके पास सिर्फ अध्यात्म एक साधन होता है। अध्यात्म ही तो है जो तुम्हें बचाता है, जो तुम्हें पालता है, जो तुम्हें पोसता है, तुम्हें संवर्धित करता है और तुम्हें अच्छा बनाता है। एक बात कहूं, तुम रो रहे हो, तुम बिलख रहे हो, तुम परेशान हो रहे हो, तुम दुखी हो, तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, यह सब बड़ा स्वाभाविक लक्षण है। लेकिन तुम जो कर रहे हो इससे तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला। तुम रोकर बिलककर परेशान होकर अपना रूप रंग खराब करके वो भी खो बैठोगे जो तुम्हारे पास है। इससे अच्छा प्रयत्न करो, प्रयास करो, सोल्यूशन करेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, किसी भी तरह से चीजों को अच्छा करने की कोशिश करेंगे और जीत जाएंगे। इसमें ताकत है, मंत्रों में, एनर्जी में, विधियों में, उपायों में, समाधानों में एक अजीब ताकत है। औष्मिक किरणें और परालौकिक शक्तियां काम करने लगती हैं। समूचा विश्व मंदिर में, देवालयों में, तीर्थों में अथवा जलाशयों के पास जाकर माला करना, पूजा करना, पाठ करना, यज्ञ करना, अनुष्ठान करना करता ही इसलिए है क्योंकि इसका लाभ मिलता है। आज आपको एक योगिक क्रिया बता रहा हूं, इसमें आपको बहुत लगना नहीं, बहुत मुश्किल नहीं है। कुछ 2 मिनट का समय है, 2 अक्षर का मंत्र है, इसको लिखकर जला देना है और तत्काल तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हारा मन अच्छा होगा, तुम्हारा दिमाग अच्छा होगा, तुम्हारी बुद्धि अच्छी होगी। उपाय मैं बता रहा हूं, उपाय के पहले यह जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है कि तुम सुधरोगे, तुम ठीक रहोगे, अपना ख्याल रखोगे तो सब ठीक हो जाएगा। तुम अपना ख्याल रखो, तुम्हारी चीजों का ख्याल हम रखेंगे, हमारी जिम्मेदारी है। तुम तो सारा का सारा फोकस अपने आप को सजाने में लगाओ, अपने आप को अच्छा बनाने में लगाओ, अपने को मुस्कुराने में लगाओ, अपने को बेहतर बनाने में लगाओ। तुम्हारे जैसा कोहिनूर हीरा इस संसार से चला जाए उस पर ध्यान दो, अपनी चमक बढ़ाओ। तुम्हारा मूल्यांकन, तुम्हारा मूल्य बढ़ाना तुम्हारे गुरुदेव का काम है। मैं तुम्हारा गुरु जी हूं, तुम्हारा दोस्त हूं, तुम्हारा मित्र हूं, तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारे साथ हर पल खड़ा हूं। दुनिया में जहां कोई नहीं है वहां मैं हूं तुम्हारे साथ, चिंता न करना। सीधा उपाय की ओर चल रहे हैं, उसके पहले ले रहे हैं आपके बीच का एक अनुभव, एक वॉइस मैसेज प्लीज।
थैंक यू गुरुजी, आपको जितना थैंक यू बोलूँ कम है गुरुजी। आपने मेरे प्यार से बात करवाया, मुझे कुछ नहीं चाहिए था, बस मुझे ऐसा लगता था मेरे प्यार से बात हो जाए। काफ़ी जगह गई, काफ़ी जगह ट्राई किया, बहुत पैसे ख़त्म किए, कुछ नहीं, मेरा कहीं काम नहीं हुआ। फिर मैंने आपका यूट्यूब पर वीडियो देखा, तो मैंने सोचा चलो इतने लोगों का काम हो गया तो फिर मेरा भी हो जाएगा। और थैंक यू गुरुजी, बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत अच्छे से मेरा काम गुरुजी आपने समझाया। बहुत बस गुरुजी इतनी आपसे गुजारिश है कि अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, आपने मेरे प्यार से मेरी बात करवाई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद, बहुत धन्यवाद। तुम्हारा ऐसे ही निरंतर हर कार्य हो, मेरी तपस्या से तुम्हारे जीवन में उन्नति हुई मैं हमेशा चाहता हूँ। लेकिन ये जो सब मिल रहा है ना, ये सब कुछ तुम्हारी अपनी भक्ति का, तुम्हारे अपने ही श्रद्धा और विश्वास का फल है। तुम्हें जो मिल रहा है, तुमने बोया है, वो तुम काट रहे हो। बहुत धन्यवाद तुम्हारा भरोसा करने के लिए। अब सीधा उपाय की ओर चल रहे हैं। मैं आज कह रहा हूं ये मंत्र दो अक्षर का लिखकर जला दो, जलाते ही तुम्हारे जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। करना क्या है, एक छोटा सा भोजपत्र लेना है। इस भोजपत्र को जिधर की तरफ खुरदरापन है उस तरफ खूब अच्छी तरीके से थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा अष्टगंध, थोड़ा केसर और थोड़ा शहद, थोड़ा सिंदूर, ये सारी की सारी सामग्री लेकर लेप बनाएं और पीछे से लेप लगा दें। लेप उतना लगाएं जितना सुखाया जा सकता हो। इस लेप को लगाकर एक बर्तन में रख करके मंदिर में रख दीजिए और इसे सूखने दीजिए। सूख जाने के बाद दूसरी पट्टी पर ऊपर की तरफ अपना नाम लिखें और नीचे की तरफ अपने रिश्ते का नाम लिखें, अपने संबंध का, अपने पति का, अपनी पत्नी का, अपने संबंध का नाम लिखें। उसके बाद उसके ठीक नीचे लिखना है स्नेह वृद्धि। क्या लिखना है, ओम स्नेह वृद्धि। ये जिस प्रकार से स्वस्थ 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 तीन बार कहने से स्वस्थ वाचन हो जाता है, जिस प्रकार विष्णु 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 कह देने से संकल्प हो जाता है, वैसे स्नेह स्नेह कह देने से स्नेह बिहारी परमात्मा का, मदन गोपाल का और वो जो गौरी शंकर है उसका आशीष मिलने लग जाया करता है। ये लिखकर इसे फोल्ड करिए, बत्ती सी बनाइए, कपूर रख करके उसमें पूरा का पूरा स्वाहा कर दीजिए। ये जो राख है इसको किसी भी कपड़े में लेकर थोड़ा पहले कागज पर लें, कागज को लपेटें, उसको ताबीज जैसा बनाएं और कपड़े में बांध लें। लंबे कपड़े में बांधकर इसको अपनी बाएं बाजू में 3 दिन तक बांध कर रखें, उसके बाद इसे प्रवाहित कर दें। मात्र इतना करने से तुम्हारा रिश्ता सदा सदा के लिए सुधर जाएगा, 7 जन्मों के लिए तुम्हारे रिश्तों में मधुरता आएगी और तुम्हारा घर खुशियों से भर जाएगा। ये उपाय पूरी श्रद्धा से, पूरे मन से, पूरे विश्वास से करें, खूब आनंद से करें, तुम्हारा जीवन बेहतर हो, तुम खुशहाल रहो, तुम अच्छे रहो। मैं हमेशा चाहता हूं परमात्मा से प्रार्थना कि तुम अच्छे रहो, लेकिन मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो, अपना खूब ख्याल रखो, मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम अपने आप को अच्छा बनाओ, मैं तुम्हारे रिश्तों को अच्छा बनाऊंगा। तुम्हारे रिश्ते में अब दरार आने नहीं दूंगा, बस इसी पर चल रहा हूं, मेरा सहयोग करना और अपना ख्याल रखना। ओम नमः शिवाय।